हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपकी जानने दोस्त। आज आपसे बड़ा सिंपल सा टॉपिक आपके पास लेके आई हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक प्लांटर लिया है। आप भी प्लांट लवर हैं तो तरह तरह के प्लांटर्स भी शेयर करना अच्छा लगता है। ये मैंने प्लांटर लिया है, कितना प्यारा है देखिए। अब मैं इसको कलर भी करूँगी, कलर करने के बाद मैं इसकी फ़ोटो किसी वीडियो के साथ डालूंगी या पेज पर डालूंगी। ये देखिए, इसमें ये दो मेंढक बने हुए हैं, टाई भी लगाई हुई है। देखिए इन्होंने ये टाई भी लगाई हुई है, इन्होंने हैट भी पहना हुआ है। देखो कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। ये देखिए, इनको मैं ग्रीन कलर करूँगी और इनकी येलो येलो आईज बना दूंगी। ये बीच में मशरूम है, मशरूम को यहाँ से रेड कर दूंगी। ये स्टॉक वाइट कर देंगे। यहाँ पे भी इसके ये जो गोले हैं इनको येल्लो कर दूंगी। ये स्ट्राइप्स को भी पतले ब्रश से कलर दे दूंगी। तो और ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐसे उठ जाता है, ऐसे है ये जो है इसमें ये ऐसा बना हुआ है, ये इसके ऊपर ऐसे फिट हो जाता है ऐसे करके। ये मशरूम बना हुआ है और इसके पीछे ये देखिए, पीछे इसके ये प्लांटर बना हुआ है, ये प्लांटर बना हुआ है। ये मैं 120 का लेके आई थी, हमारे यहाँ एग्जीबिशन लगी थी उसमें। तो ये यहाँ पे प्लांटर लगा हुआ है और इसके लिए मैं ये लाई हूँ। ये ड्वार्फ वैरायटी ऑफ अरेका पाम है। ये देखिए नया प्लांट है, ये ड्वार्फ वैरायटी है, छोटा सा है। ये छोटे छोटे जो इंडोर अपने प्लांटर्स होते हैं, छोटे आप लोग जो प्लांटर्स लाते हैं छोटे वाले सिरेमिक जो आते हैं उनमें भी ये बहुत प्यारा लगता है। मेरे पास भी दो सिरेमिक प्लांटर्स हैं तो मैं उनके लिए इसको लाई थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें भी ये अच्छा लगेगा। ऐसे देखिए रखेंगे और ऐसे मशरूम के पीछे से ऐसे ये इस प्लांटर को मैं येलो करूंगी, इसको येलो करूंगी, ये ग्रीन हो जाएंगे और ये रेड हो जाएगी, ये वाइट। तो बड़ा प्यारा सा कॉम्बिनेशन आएगा, यूं ग्रीन ऊपर, ग्रीन से ये दिखेंगे ऊपर से। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्लांटर्स आजकल बहुत फैशन में हैं और ये आप लगाइए। इंडोर में भी रख सकते हैं इसको आप, ड्राइंग रूम वगैरह में, मेन एंट्रेंस से सामने जो आपका कोई पॉइंट जिसको हाईलाइट कॉर्नर करना होता है। गार्डन्स में क्या होता है, हाईलाइट वाली प्लेस जरूर रखने चाहिए कि आपके घर के अंदर जो कोई एंटर करता है, एंटर करते ही सामने आपको अपने सबसे अच्छे प्लांट्स लगाने चाहिए और प्लांटर्स भी अच्छे से लगाने चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट करें अंदर घुसते ही, और वो पॉजिटिव एनर्जी भी देते हैं। कोई घुसते ही उसको अच्छा सा दिखता है तो पॉजिटिविटी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना प्यारा प्लांटर है। तो बस मुझे आज आपसे यही करना था। अगर आपके पास ऐसा कोई प्लांटर है तो ये इंडोर के लिए ये प्लांट भी मुझे बताना है आप लोगों को कि ये बहुत प्यारा प्लांट है। अगर आपको वहाँ आपको मिलता है आपके वहाँ, तो ये ड्वार्फ वाला अरेका पाम है, अरेका पाम ड्वार्फ वाला। और ये जो है वो शेड में भी लग जाएगा, इंडोर भी लग जाएगा। अगर आप इसको बाहर सेमी शेड में लगाना चाहें इनडायरेक्ट लाइट में तो भी ये अच्छा लगेगा। मिट्टी इसकी नॉर्मल जैसे सब गमलों की लेते हैं, एक हिस्सा सॉयल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा खाद, वैसे दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्लांटर अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय।